तो गाइस गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप। आज अभी हो रहा है दोपहर के 2 बज गए भाई, मैं 12 बजे का निकला हूँ। हमारी आज संडे की प्लानिंग थी मोहित मेरी आर्यन की कि भाई आज हम लोग एक दद्दू हैं रातीबड़ के पास एक कॉलेज है वेनस कॉलेज, वहाँ पे वो बहुत शानदार वाली दाल बाटी खिलाते हैं। उनकी एकड़ों में जमीन है और दद्दू की उम्र है 95 साल, तो उनकी दाल बाटी काफी फेमस है। आर्यन ने मुझे बताया कि वहाँ चल के खाएंगे, तो उसको कब से फोन लगा रहा हूँ भाई, ये फोन उठा था ये सुबह 9 बजे सोया है, फिर मैं उसके घर पहुंचा था तब जाके अब जाकर मेरे हत्ते चढ़ा है। अब कहीं हम जा रहे हैं सीधा आर्यन को उठाने, वहां से हम जाएंगे सीधा किधर दद्दू का दाल बाटी खाने, पर पहले लेंगे बियर। बियर पियेंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, दोनों भाई तीनों भाई बियर पियेंगे, उसके बाद सीधे जाएंगे हम लोग दद्दू का दाल बाटी खाने। और दाल बाटी की पूरी आपको मेकिंग दिखाऊंगा, दद्दू कैसे मेकिंग बनाते हैं और कैसा क्या रहता है। तुम्हारी भाभी तो घर पे है नहीं, तो मैं आयात परिंदा में जो जाऊँ वो कर सकता हूँ। रात को मैं 2 बजे घर जाऊँ 3 बजे घर जाऊँ, बट वो पूरा मेरे पे स्टॉक कर रही है कि मैं कहाँ हूँ। उसने मैं सब कुछ ले रखा है व्हाट्सएप और सब कुछ हैक कर रखा है अपने फोन में, तो उसको हर एक चीज़ पता है कि मैं कहाँ क्या कैसे क्या कब क्या कर रहा हूँ। तो भाई ये आ गया हमारा मैंगो जूस। लाओ भाई, बहुत गाढ़ा नहीं लग रहा मोहित मैंगो जूस? चलो बाबा देखना गिरना जाए। बाबा मैंगो जूस में काय में इसमें ग्लास तो डाल दो, ग्लास समझ डाल दो बाबा ग्लास। भाई गेट तो लगा दे। ओ भाई भाई तू तक होया क्यों रहता है ये बता, ब्रेकअप हो गया है क्या तेरा? ग्लास तो है ग्लास, हाँ इसको रख दे बेटा। कैसा आदमी है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है यार ये आदमी तो बहुत। लो गाइस चेयर्स मारो भाई, मोहित भाई आ जाओ जब्बा। तो भाई ये लोग लेने गए हैं टमाटर और बैगन, क्योंकि हमने दद्दू को फोन लगाया जो बाटी बना के हमें खिलाएंगे। उन्होंने बोला बेटा 95 आगे दद्दू हैं, एक तो बहुत स्लो बोलते हैं, बेटा एक 10 रुपए के टमाटर 10 के बैगन ले आना, भरता बनाने के लाने और टमाटर ले आना। मैंने ठीक है दद्दू। आज हम लोग पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग कहीं पे ना चिकन नहीं बना रहे, हम लोग दाल बाटी खाएंगे। बहुत टाइम दाल बाटी नहीं खाई मैंने। जो भाई जब दाल बाटी होता है मजा तब है जब वो एकदम देसी देसी दाल बने, आपको एकदम भरता मिले और जो बाटियां सिक रही हैं कंडों में आए हाय, और दाल में तड़का हो और साथ में मिर्ची हो, थोड़ी सलाद हो और अचार हो, माशाल्लाह मजा आ जाएगा। एंजॉय करेंगे आज हम लोग। यही तो है भाई, बीवी घर पे नहीं होती ना चिकचिक नहीं होती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो, कब आओगे, कितने बजे आओगे, क्यों गए, चिकचिक बंद। कोई पूछने हाँ फोन लगाएगी मैं बोल दूंगा मैं तो व्यस्त हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, उसको थोड़ी पता पड़ रहा है मैं कहूँ, तो ये चिक चिक कम होती है। मम्मी भी कुछ नहीं बोले क्योंकि भड़काएगी नहीं घर वाली कि मम्मी से उम्मीद ये कर रहा होगा वो कर रहा होगा, तो मम्मी भी कुछ नहीं बोलेंगी। मेरी बीवी मायके गई है, आपको पीना है तो आप दारू पियो, मैं सबको दारू पिला रहा हूँ। मोहित भाई क्या दादा वाईफाई मेरे फोन में है ना? नहीं इसमें। हाँ करो करो तो हो जाएगा, वाईफाई हो जाएगा। नहीं हुआ, अरे उसमें बैलेंस ही नहीं है यार, मैं दे दे यार लाओ। अरे नहीं नहीं यार पागल है क्या दादा, से मत लो यार बेचारा, कब भयंकर ज्यादा पैसा आ गए तेरे पास, ज्यादा तो हो ही नहीं रहा टच, ला पिछले 8000 रुपए दे, अरे उधार खा के बैठा है, देखो तो हरकत ऐसी कर रहा, पासवर्ड डाल दे चल बे। ओ ओ ज्यादा देर बोला यार, मैंने तुझे मैंने डायल कर दिया। अरे आपको सुनाई दे क्या, क्या समस्या है? अरे बड़ा भाई मेरी गर्दन ऐसे ऐसे नहीं हो रही ना, ऐसे हो रही नहाते नहाते। चल आर्यन भाई कष्ट कर दो जरा, अबे तू उसकी मुर्री तो पकड़, उसको पता पड़ेगा ये सब पकड़ के, ये तो पकड़ उसकी, ये तो हटाओ। अबे ओए तेरा जिम नहीं है साले, बड़े भाई ये सब पकड़ के मुझे से उठा दो। हां मैं बाहर नहीं अंदर से करो जो करना है, बाहर गर्मी इधर ले, इधर यहां ले जरा, ले आर्यन कर दो जरा। हां नहीं नहीं अरे बताऊंगा। हां करो इसे उठा दो। हां थोड़ी होता है, अलग कर दे अलग कर दे, वो भेंकड़ी के नीचे थोड़ी घुस गई है। अबे गर्दन घुस गई है, अबे सस्पेंशन की तरह सेट करवा लेते हैं उसको। चल बढ़िया मालिश करता है भाई तू यार, सही कह रहा हूँ। ये देखो वो आया मजा आया, वो भेंकड़ी के फंस गई है बीच में, आया मजा आया। भाई देखो भाई दद्दू की दाल बाटी सामने लिखा हुआ है, और दद्दू भी बड़े चालू आदमी है, उन्होंने क्या रेट छुपा के रखा है, रेट पे दद्दू का घर है, यहाँ बनेगी दाल बाटी बढ़िया। हाँ दद्दू देखो भाई आनंद आ जाएगा, यहाँ तो गैया भी बैठी हुई है। दद्दू यही है का है दद्दू? हाँ यार ओहो गौ माता भी बैठी हुई, और डर रही है यार दद्दू। ये देखो भाई, अरे रे
देखो दद्दू, दद्दू राम 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 राम, ये लेके आए हम आपको। देखो भाई दद्दू की देख रहे हो, ये देखो बाटिया, ये होती है बाटिया। ये काय पे सीख रही है, कंडो पे। अरे वाह यार, ये देखो भाई बहुत शानदार। दद्दू आपकी उम्र कितनी है, 90 साल है क्या? दद्दू की उम्र कितनी है? 95 कहें तो दद्दू 95 साल के हो आप। अंकल आंटी कैसी है दाल बाटी? बढ़िया बढ़िया, मजा आया अंकल जी, धन्यवाद जी। अंकल हाँ आंटी जी, कैसी लगी आपको दाल बाटी? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए खाने इधर? अच्छा आप सिर्फ खाने आए हो यहाँ पे दाल बाटी? अच्छा हर महीने आप आते हो नेचर के बीच में बैठ के खाने, नेचर के बीच में देसी मजा, बड़े होटलों में जो मजा नहीं है वो यहाँ मजा। अंकल क्या आपने मुंह की बात बोल दी मेरी, ये बहुत आपने सत्य बात कही अंकल, होटलों में मजा नहीं है। जो ये जो हमारे देश का जो कल्चर है उस हिसाब से ये जो यही कल्चर है, हाथ से खा के नीचे बैठ के। हाँ आंटी जी, आपके लोग का जमाना अच्छा था, हमारा जमाना खराब है, हम खुद एक्सेप्ट करते हैं ये चीज। बात वही वही भाई, ये दद्दू की पूरी दद्दू की जमीन है। और ये क्या है, लाशों का ढेर? अच्छा कुआ है, मतलब भाई अगर जो आदमी यहाँ दाल बाटी खाएगा और जो पैसा दद्दू का नहीं देगा, दद्दू उसको पकड़ के ही नीचे गिरा देंगे। हाँ इधर पे स्विमिंग पूल में। हाँ भाई दद्दू ने खुदवा रखा है, देखेंगे ना ये पूरी कहाँ तक आके जा रही है अपनी। जितनी आके जा रही है, अबे पागल पागल है क्या? लड़कों को दो थोड़ा बहुत मेरे को भी देने का ना, फिर मैं भी तो लड़का हूँ उनका। पूरी पूरी एंड तक, हाँ पूरी 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 वहां तक। दद्दू आपके बारे में कुछ बताइए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हाँ भज्जी प्रसाद। दद्दू आप एक काम कब से कर रहे हो दाल बाटी का? 35 साल हो गए। लोग आते हैं दद्दू, मतलब आपकी बहुत दद्दू नॉन वेज नहीं बनाते का? नहीं दद्दू, कहाँ से लोग आ चुके हैं बताओ आप? यार सब कुछ आते हैं, बॉम्बे से, हरियाणा से, दिल्ली से, हैं हर जगह से लोग आते हैं। बॉम्बे दिल्ली से भी लोग आते हैं? ये देखो आर्टिकल छपा है दद्दू का, ये क्या बात कर रहा है बे? अच्छा अच्छा अंकल ऐसा जी, आप भी 30 किलोमीटर दूर से आए, हम भी कोलार से आए हैं। किसने बताया आपको? मुझे अंकल मेरे फ्रेंड ने बताया, ये आर्यन ने। मैंने कहा यार ऐसी भी जगह है अपने भोपाल में, और मतलब इतना तो अगर आप हर साल हर महीने आते हो, इसको मीडिया पे डाल दो और हाईलाइट। मैं कर अपने चैनल पे डालूंगा, मेरे चैनल पे 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। अरे बढ़िया, कौन सा चैनल, कौन सा है? मेरा MP04 राइडर जी, उस पर डालेंगे ना, ब्लॉग बना के डालेंगे। आप भी आएंगे, आप सर्च कर लीजिए चैनल, तो आप कल की वीडियो में दिखेंगे हमारे चैनल पे। हाँ 12:01 पे दिन में। हाँ MP04 राइडर चैनल है अपना। और दद्दू अब आप भाई साहब, आप इतने आपसे जुबान है मेरी कि मेरी वीडियो के बाद अब आप और छाने वाले हो। सब्सक्राइब कर दो। हाँ आप कर दो, क्योंकि अब आपके बाद मेरे नाम से बहुत लोग आने वाले हैं दाल बाटी खाने। एड्रेस बताओ आन भाई, एक बार एड्रेस बताइए आप। एड्रेस एड्रेस ये नीलवट रोड बरखेड़ा नाले, सबसे इजी है, वीएनएस कॉलेज के बाजू में, वीएनएस कॉलेज के पास में। किसी भी पूछ लेंगे तो पता पड़ जाएगा, पूछ लोगे आप सिपक के रोड की। और ये गूगल मैप पर भी डाला हुआ है दद्दू देसी दाल बाटी। अच्छा गूगल मैप पर दद्दू देसी दाल बाटी के नाम से डाला हुआ है, आप सर्च करोगे तो लोकेशन मिल जाएगी। अरे बस तो फिर यहाँ आओ। जरा क्या रुपए प्लेट है? 90 रुपए प्लेट है सर। इसमें 5 बाटी मिलती है, दाल भरता अचार प्याज नींबू। और हमारे सब्सक्राइबरों को थोड़ा डिस्काउंट देना 10%, ठीक है? उनको बहुत प्यार से खिलाएंगे आपको। बस तो आप जब भी आओ तो बोलने का MP04 के थ्रू आए हैं, भैया को देखते हैं, उसके बाद भैया आपको एकदम मोहब्बत से देखो आप ये घर जैसी नहीं तो क्या, दादा यहाँ बना रहे हैं, दद्दू वहाँ बाटियाँ सेक रहे हैं, यहाँ अंकल आंटी जी हमारे प्यारे से यहाँ बैठ के खा रहे हैं बढ़िया, हम लोग रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। वाह आंटी जी, मेरी अभी जब शादी हुई है
और आज मेरी बीबी मायके गई हुई है, तो इसलिए मैं इतना खुश हूँ और मैं बढ़िया एंजॉय कर रहा हूँ। अंकल जब आंटी मायके जाती होंगी तो फिर आप कुछ होते थे क्या? हमारे जमाने में वो गाना गाते थे, राम दुलारी मायके गई खटिया अमरी खड़ी। सुना अंकल मैंने वो सुना है, ओ मेरी बीवी मायके चली गई। बेटा अंकल मायके नहीं जाने देते थे जब यंग थे, अब कह रहे चले जाओ, कहाँ जाओ, अब कहाँ जाओ, तुम कहीं चले जाओ, हम नहीं जा रहे। हाँ सही बात है अंडे। अंकल आप लोग कौन से मतलब कहीं थे आप सरकार में, कहीं जॉब में, सर्विस में? मैं बैंक ऑफ इंडिया में कमांडेंट था, होमगार्ड से, डीएसपी साहब थे। अच्छा। और मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर था बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में, ओहो वाह बहुत बढ़िया। अंकल जी आंटी जी आप टीचर? अरे आंटी जी आप हम मॉडल स्कूल से पढ़े हुए हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर। आप केवी में हैं? अच्छा रिटायर हूं। अंकल आप होमगार्ड में कमांडेंट? अच्छा तो मतलब भाई अभी तो अपन तो बच्चे ही हैं अंकल आंटी के, उन्होंने दुनिया देखी है पूरी। जिंदगी शुरू हुई है। हाँ आंटी जी आपके जितने हमारे बच्चे हैं। बस बस वही वही हमारे बच्चे हैं, बड़े बड़े 33 साल। अच्छा अंकल हम तो अंकल ये 20 ये 22 23 का है, मैं भी तो अभी 24 का हूँ। वो शादी थोड़ी जल्दी हो गई, कोई कर्म थोड़े ऐसे थे, जल्दबाजी करी हमने तो शादी करनी पड़ी। नहीं तो घर वाली लड़की बोल रहे थे कि अब आप लड़की को खुद ही रखो, हमने कहा ठीक है हम मोहब्बत करते हैं शादी। अंकल आपकी लव मेरी अरेंज मैरिज थी? तो आप लोग अभी आप लोग लव मैरिज को लेके क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो बच्चे लव मैरिज करते हैं ठीक है, ये सबसे बढ़िया, बच्चे खुश रहना चाहिए। बस अंकल जी यही माँ बापों को समझना है कि बच्चे खुश रहना चाहिए, उनकी अपनी लाइफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी। तो भाई मतलब अंकल आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी, हमें लगा आप भी पुराने जमाने के हैं। तो अच्छा तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी उसमें? अभी वो खुश है भैया तो उसमें आप खुश हो? बहुत खुश, बहुत खुश। हाँ वही तो भाई, बच्चे खुश तो माँ बाप खुश है अंकल जी। दोनों यूएस में सेटल है। ओ ग्रेट, बेटा इधर आओ, अंकल के जो भैया लोग हैं ना वो सब यूएस में पढ़ रहे हैं, तुम लोग दुबई नहीं गए अभी तक? अंकल का लड़का ऑस्ट्रेलिया में। तो बड़े भाई हम लोग नोता खा गए, काया बैठ गए। अंकल आंटी क्या करेंगे अचार खाते? भाई देखो मस्त शानदार वाली ये अचार, देखो अचार है, काला अचार है मोहित की तरह। देसी अचार है भाई, देसी मस्त। दाल बाटी खा के आपको बताते हैं, फिर आप भी कल्टियों में आना। जिससे हम आए मोहित तुम्हारी हटो रे अबे ओए ओए ओए। मैंने डालूंगा भाई, तू डाल। रुक 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 वीडियो बना दे, रुक रुक रुक। यहाँ गाड़ी मिलेगी, गाड़ी मिले, गाड़ी मिले, गाड़ी मिले, गाड़ी मिले क्या ना? गाड़ी मिले क्या? एक को तेरी की। अरे तो पूरा परिवार आ गया रे, वो देखो देखो। अरे मेरे पास और इसके जवाब कुछ नहीं है बच्चे, और क्या था मेरे पास खाने को? मैं पहचान गए, आओ भैया, ओए दादा है अपने, दादा आएंगे। ओ दुआरी जी आइए सर। दादा नहीं, आप दादा आपको कुछ सेवा की जाए आपकी? दादा पहले घूम आपकी कुछ सेवा ना, कुछ आपको लगे कुछ खाएंगे आप क्या सेवा की जाए? कुछ नहीं बेटा आप, अरे आप लोगों को हमारे बच्चे हो। हाँ दादा आप कुछ लेंगे आप तो आप बताइए। गाइस लोकेशन चेकआउट करो एक बार, जो मैं ये देखो भाई लोकेशन कितनी बढ़िया है। ये हम लोग चिकन बनाते हैं, ये चूल्हा हमारा है, हमने लास्ट टाइम रंग पंचमी पे यहाँ पे बनाया था चिकन, उस टाइम बारिश हो गई थी,
जगह देखो भाई, चार बज चुके हैं गाइस। जो वीडियो आज 12 बजे आ जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया, वो अब कल ही आएगा। मतलब ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये कल यानी यस्टरडे को आ जाना चाहिए था, बट घर पे लाइट ही नहीं थी, मैं दुकान पे लेटा हुआ था। लाइट अभी आई तो मैं तुरंत आया, मैं एडिटिंग करूंगा और अब डालने से मतलब है नहीं, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको कल ही अपलोड करूंगा। गाइस हमारा 10 डेज का तो चैलेंज दिया था हमने डेली व्लॉगिंग का, वो 9 डेज रह गया है। एक दिन हमारा मिस हो गया आज लाइट के चक्कर में, लाइट नहीं थी इसलिए तो आज भी व्लॉग डल जाता और अटेंडेंस हमारा पूरा हो चुका होता। बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको कम्प्लीट ही मानेंगे अपन, क्योंकि मैंने ब्लॉग तो बनाई, एडिट नहीं कर पाया, डाल नहीं पाया ड्यू टू लाइक, तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है भाई। गाइस कैसा लगा आप लोग वीडियो कमेंट करके बताना, या आप जब आएगी तब तो और अच्छे वीडियोस बनेंगे, अभी तो माइक में है तो मेरे भाई तू वहाँ आराम से रह, इन्जॉय कर, तेरी माँ के साथ पापा के साथ रह, टाइम स्पेंड कर, फिर तू यहाँ आएगी फिर तो पता नहीं कब जाने का मौका मिलेगा। इन्जॉय कर, भूल जा वीडियो, भूल जा सब कुछ काम काज। वैसे अभी सीए के एग्जाम्स भी हैं 15 और 20 जून को, उसके BCA फर्स्ट ईयर के, तो वो भी अपने को उसको देने जाना पड़ेगा, तो उससे पहले माई के वो आ जाएगी, तो वैसे अदा का भी डिले करना पड़ेगा क्योंकि उसके एग्जाम से, तो 20 तारीख के बाद ही अपना अदा का प्लानिंग करेंगे। तो बस ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखना पड़ेगा, शेयर करना, कमेंट करना। टिल देन सारी गप्स मेड विद सोरो, जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस। एंड ना गाइस दाल बाटी का खाने जानी हो तो अंकल के चले जाना और मेरा चैनल का नाम बता देना। बाय बाय गाइस।